देश में आज से रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 25.50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत बढ़कर अब 834.50 रुपए है। पिछले 6 महीने में रसोई गैस की कीमतों में 140 रुपए का इजाफा हुआ है। साथ साथ पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने हालत और खराब कर दी है। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, और आपका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए, और हमारे पास जो खाना खाने आते थे इस टाइम वो परेशान है। बेचारे लोग उधार खाते हैं खाना, पैसे नहीं है। बहुत लोग तो बेचारे ऐसे मांगते हैं जैसे खाने भाई नहीं उनको बेचारे के पास। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 25.50 रुपए की बढ़त से देश भर में लोगों का बजट बिगड़ गया है। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल दवाइयां सब चीजें, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप नाम लीजिए उस चीज का और वो चीज महंगी है, और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं। मतलब बढ़े ही चला जा रहा है। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आम जनता गरीबी से बिलबिला रही है, नौकरियां है नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल साबुन मंजन से लेकर के हर चीज जिसकी रोजमर्रा की आवश्यकता है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन इन मजदूर गरीब आम लोगों की आवाज उठाने वाला कोई है? विपक्ष कहीं नजर आता है आपको प्रदर्शन करता हुआ सड़कों पर, गिरफ्तारी देता हुआ, तो सरकार कहां से सुनेगी? विपक्ष का भी विरोध सिर्फ फेसबुक और कुछ ट्वीट्स तक ही सिमट कर रह गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। साहब चंगासी।